एवरीवन, कैसे आप सभी लोग? होप करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और अभी बजा है दोपहर का 3 और आज है गन्ने की पूजा। तो मैं इस साइड आई थी मामी के साइड, सोचे थे कहीं पे गन्ने मिल जाते हैं तो ले लूँगी, लेकिन कहीं पे गन्ने दिख ही नहीं रहे हैं, खेत ही नहीं गन्ने का दिख रहा है। तब तक मैंने यूट्यूब खोला और यूट्यूब पे बस मालती चौहान विष्णु राज की ही वीडियोस आने लगी। तो मैं पहले मतलब नहीं देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी 15-20 दिनों से आप लोग खुद ही देख रहे होंगे मालती चौहान और विष्णु राज की लड़ाई में कितनी सारी मतलब वीडियोस आ रही थी, इस वजह से मैं नहीं देख रही थी। लेकिन उस एक पे टाइटल पे लिखा हुआ था कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रहीं, तो मतलब सोचने वाली बात हो गई। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। फिर मेरे जानने वाले जो भैया हैं, मैं उनको कॉल लगाई, वो उधर ही साइड के हैं, तो मैंने उनसे पूछा कि भैया क्या ये बात सही है? तो भैया ने बोला हाँ वो बात सही है। तब मुझे बिलीव हुआ, मैंने तुरंत से अभी ही देखा तो सच में उसकी बहन जो है ना वो बहुत ज़्यादा रो रही थी और हॉस्पिटल मतलब तब मुझे मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा। बुरा ये लगा कि इतने दिनों से विष्णु चौहान मंत घड़ंत वीडियोस बना रहा था, बराबर एक एक दिन में 4-4 वीडियोस, 5-5 वीडियोस डाल रहा था और पूरी पब्लिक उसे सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि उसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 6 मिलियन सब्सक्राइबर उसे दिन भर में मतलब देख रहे थे, बराबर वॉच कर रहे थे, और जितने भी वो वीडियोस डाल रहा था बराबर वो वॉच करते जा रहे थे। और क्या था मालती की दूसरी शादी को लेके क्या था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं ज़्यादा वीडियोस उनके नहीं देखती हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरा दिल कह रहा था, मैं सोच रही थी वहाँ तक वो कि ये सिर्फ व्यूज के लिए मालती की शादी हुई है, मालती ऐसा नहीं कर सकती है, बाकी मुझे पूरी बात नहीं पता है। लेकिन कल मतलब मालती अपने ससुराल आई है और आज सुबह 4 बजे उसने पंखे में लटक के अपनी जान दे दी। और उसका भी बताओ 1.5-2 साल का बच्चा होगा और बिना माँ का रह गया। यार तकलीफ़ हो रही इतनी, मतलब विष्णु चौहान ने ना इतनी गंध मचा दी है यूट्यूब पे, दुनिया को इतना गंदा संदेश दिया, फिर भी लोग उन्हें भर भर के सपोर्ट करते हैं। मालती को इतनी गाली दे रहे थे और इतना सब कुछ भरा मतलब गंदा संदा बोल रहे थे, क्योंकि मालती ने दूसरी शादी की, इसको लेके बोल रहे थे कि। और इसमें ना अब मैंने जो अभी वीडियोज़ देखी है, उसकी बहन बराबर यही बोल रही है कि हमारी दीदी को शादी में इसने ही फंसाया, अपने जीजा को ही बोल रही है। तो क्या सच है क्या झूठ है, मैं तो बस इतना कहूँगी कि जो होना था वो तो हो चुका, मालती इस दुनिया में नहीं है, उसको जाना था वो चली गई। लेकिन जो मेन है इसमें, जिसने ये कांड किया है या करवाया है, मजबूर किया है मालती को, क्योंकि मालती देखने में तो ऐसी नहीं लग रही थी कि वो कमज़ोर है, सुसाइड कर लेगी, पंखे में लटक जाएगी। क्योंकि देखो एक लड़की होती है तो मान सकते हैं सह रही है या तकलीफ़ में है, क्योंकि सोशल मीडिया पे उसकी इतनी सारी वॉइस रिकॉर्डिंग जो थी दूसरे लड़के से बात करने की वो वायरल हो रही थी। लेकिन उस एक माँ भी थी, वो तो अपने बच्चे की तरफ भी देखती है एक माँ कि हाँ चलो मेरे साथ में जो भी हो रहा है, लोग मुझे गंदा संदा बोल रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चे के बारे में ज़रूर सोचती। लेकिन उसने नहीं सोचा क्या रीज़न रहा है इसमें, ये तो जब कार्रवाई होगी तभी पता चलेगा। और आप लोगों को क्या लगता है कि मालती ने सुसाइड क्यों की, या विष्णु चौहान के वजह से की है, कि खुद से उसने पंखे में लटक के की है, क्या है आप लोग मुझे बताना। क्योंकि बहुत जिसके 6 मिलियन सब्सक्राइबर हों और मालती के अलग हों, तो सोच सकते हो कि मतलब इंसान क्या पता नहीं। लेकिन मुझे बुरा ये लग रहा है, क्योंकि विष्णु पे वो बराबर उसके लिए वीडियोस डाल रहा था, बराबर उसके खिलाफ़ वीडियो डाल रहा था, तुम्हारी पत्नी थी, जो भी हुआ था अच्छे से समझौता भी हो सकता था, बैठ के बातें भी हो सकती थी, लेकिन ऐसे पब्लिक में नहीं करना चाहिए था, तुमने किया भी। लेकिन आज खेल खेल में ना किसी की जान चली गई, इतना गंदा संदेश ये लोग दे रहे हैं, फिर भी सभी उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। बस मैं इतना ही चाहती हूँ, मालती ने जो किया है उन मालती को नहीं करना चाहिए था, या मालती से जिसने भी करवाया है, मालती ऐसी लड़की नहीं थी कि वो हिम्मत हार जाती, बहुत स्ट्रांग लड़की थी। मैं भी उसके शॉर्ट वीडियोस वगैरह देखती थी, सबको हंसाती थी, जैसी भी थी वो हंसाती थी, है ना, पब्लिक को।
तो बताइएगा आप लोग, आप लोग भी यही चाहते हो कि मालती को इंसाफ मिले, हम भी यही चाहते हैं मालती को इंसाफ मिले, और किसी भी लड़की के साथ में, किसी भी औरत के साथ में ऐसा ना हो, तो प्लीज़ न्याय के लिए सभी लोग कमेंट करिएगा। और जो भी इसमें मेन है ना, उसको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो उसका पति हो या कोई भी हो, या दूसरा पति के बारे में जो लोग बात कर रहे हैं वो हो। तो बाकी की वीडियो मैंने इसमें ऐड की है, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा है वीडियोस में, तो आप लोग देख लीजिए और बताइएगा मुझे, क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो मुझे ही देखते हैं। मुझे नहीं पता कि वो लोग मालती को वॉच करते हैं कि नहीं करते, लेकिन मेरा फ़र्ज बन, मैंने देखा तो मेरा मन नहीं माना, तो मैंने छोटी सी वीडियोस बनाई है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा फ्रेंड, ठीक है। और मालती को न्याय मिलना चाहिए, उसका छोटा सा बच्चा है, उसे न्याय मिलना चाहिए, है ना। तो बने रहिए और वो वीडियोज़ देखिए। ये साजिश करके उसे उसकी जान से मारे हैं, और ये दहेज का भी काफी मुद्दा उठा रखे थे, दहेज के लिए भी ये अमर रहा था। एक और इसका कोई भाई लगता है, वो भी है साथ में, माझी है, इनमें सहदेव है, इसमें ये सब मिल करके क्या बोलते हैं ये गेम खेले हुए इस तरह से काम कर रहे हैं। मालती अपने ससुराल कब गई थी? मालती अपने ससुराल कल नहीं परसों गई है, वो 20 तारीख को यहाँ से निकली है, और रात में वो लेकर के गया है। कल हमारी बात हुई, बिल्कुल सब कुछ ठीक था, फिर शाम को भी बात हुआ ठीक था। बहू से बोली कि मैं सवेरे फोन करूंगा या फोन कर लेना, मैं ठीक हूँ। और ये तकरीबन मेरा ख्याल है कि ये 3 बजे सुनाई आ रहा है, स्टूडियो से आया है, तो उसी वक्त ने उसकी हत्या किया है गला काट के। रात में आपसे बात हुई थी? रात में 10 बजे करीब बात हुई थी? नहीं, हमसे नहीं बात हुई थी, हमारे बहू से बात हुआ था इसकी, जो ठीक थी। रात में 10 बजे आपसे बात किया था? नहीं, हमसे नहीं, हमारे बहू से बात हुआ था। ये लड़की आपकी कब गई थी वहाँ से? लड़की हमारी 21 तारीख को गए, 20 तारीख को गया है यहाँ से, रात को शाम को 6 बजे 6:30 बजे लेकर के गया है। वीडियो बना मालती डाली है, तो आपके मायके का वहाँ का कि यहाँ का था? वो क्यों यहाँ का था, काली जगदीशपुर का। फिर क्यों वो कह रही थी इस बारे में? एक आवारा था उसको, धमकी वगैरह दे करके। कारण क्या चल रहा, मजबूत कारण क्या नजर आ रहा है आपको? मजबूत कारण इसमें यह है कि जो राधिका नाम की कोई लड़की है, उसके साथ इसका लव चल रहा है, उसी के कारण इसे मारा गया है। और ये उसको देख भी ली थी, उसका विद्रोह भी की, लेकिन विष्णु के पूरे परिवार के लोग जानते हैं। विष्णु के